Hey guys, this is Sonu Alawat. और जैसे कि अब तक आपको पता चल ही चुका होगा, काफी लंबा इंतजार करने के बाद फाइनली आप सभी के लिए खुशखबरी निकल के आ ही चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की वैकेंसी के लिए डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक तो इस वैकेंसी के शॉर्ट नोटिस ही निकल के आ रहे थे, लेकिन अब फाइनली दोनों ही पोस्ट के फुल्ली डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिए हैं, जिनमें इस बार काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दोनों ही पोस्ट के नोटिफिकेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, सिलेक्शन प्रोसीजर, पोस्ट और वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या चेंजेस है, क्या नया है, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी खतरनाक हो जाती है। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसको तो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको 3 फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, जिनमें से एक में मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर किए हैं, चाहे वो एग्जाम डेट को लेकर हो, एग्जैक्ट इनिशियल इलेंट सैलरी, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ या फिर इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, डिटेल सिलेबस, सेफ जोन के बारे में, बेस्ट बुक, जॉब लोकेशन, प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड कर रखा है, साथ ही आरपीएफ आरपीएसएफ से रिलेटेड भी डाउट्स क्लियर है। साथ ही दोस्तों, एक वीडियो में मैंने आपको आरपीएफ के लिए टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम में आपको हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे। और साथ ही इस बार आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए एक जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर कर रखी है। 100% सिलेक्शन होकर रहेगा अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो। और केवल दोस्तों इतना ही नहीं, इन्हीं के साथ मैंने आपको एक बेस्ट बुक के रिगार्डिंग भी वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज सबसे बेहतरीन बुक्स के बारे में बताया, जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। आपको कोई कोचिंग क्लासेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा तैयारी शुरू करने से पहले। देखिए दोस्तों, दोनों नोटिफिकेशन को साथ साथ कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता होगा 4208 निकल के आई है। मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसीज कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 3577 है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 631 वैकेंसीज निकली है। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ही है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 357 है मेल कैंडिडेट्स की, ओबीसी से 366 है, एसटी कैटेगरी से 268, एससी से 536 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 1450 वैकेंसीज निकली हुई है। ऐसे ही हमारी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मेल और फीमेल की मिलाकर 452 है, जहां पर मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसीज 384 है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसीज 68 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10% वैकेंसीज यहां पर रिजर्व करी गई है इनमें से ही, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर क्या था, जोन वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया था, लेकिन इस बार वैकेंसीज को जोन वाइज डिवाइड नहीं किया गया है। यह सबसे बड़ा बदलाव इस बार किया गया है। यह वैकेंसीज की पूरी जानकारी है, कैटेगरी वाइज ही वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जोन चूज कर सको कि भाई मैं इस पर्टिकुलर रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं, ऐसा इस बार कुछ नहीं है। बस सीधा आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सभी कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए फाइट कर रहे होंगे, ठीक है। इस बार जोन वाइज वैकेंसीज को डिवाइड नहीं किया गया। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद लास्ट में जब आप ज्वाइनिंग से पहले जाओगे, तब यहां पर आपको जोन एलोकेट किए जा सकते हैं। फिलहाल वैकेंसीज को जोन वाइज डिवाइड नहीं किया गया, बहुत बड़ा बदलाव है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रही है, फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी 14 मई 2024 रहेगी, और टेंटेटिव एग्जाम डेट के बारे में अगर हम बात करें, सेप्टेंबर मंथ के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, यह एक टेंटेटिव डेट है, ठीक है, ऑफिशियल डेट नहीं है, यह एक अनुमानित तारीख है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा आगे, यहां पर बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म फीस बिल्कुल सिमिलर है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए शुरुआत में 500 रुपए फॉर्म फीस के तौर पर चार्ज किए जाएंगे, उसमें से एग्जाम होने के बाद 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे, जिसके बाद केवल 100 रुपए ही फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एससी एसटी और साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शुरुआत में 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं, सीबीडी एग्जाम होने के बाद 250 के 250 रिफंड कर दिए जाते हैं। तो टेक्निकली
इन कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर एज लिमिट। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 28 साल रखी गई है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी ना वो 1 जुलाई 2024 तक होने वाली है। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में हुआ है। ओबीसी वाले देख लीजिए, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। एससी एसटी वाले आप भी देख लीजिएगा, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1991 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर की एज लिमिट देख लीजिए, यहां पर जनरल वालों के लिए एज लिमिट 20 से 28 साल रखी गई है और बाकी आप यहां पर खुद देख सकते हैं आप एलिजिबल है फिर नहीं है। ठीक है, यह जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात कर लेते हैं दोनों ही पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। पहली पोस्ट है हमारी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। दोस्तों अगर आपने 10वीं पास की हुई है तो आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अगर हम डिस्कस करें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट हो, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब काफी सारे लोग के माइंड में एक और डाउट बन रहा होगा कि भैया मैं फाइनल ईयर में हूं या फिर फाइनल ईयर का रिजल्ट मेरा अभी तक नहीं आया है, मैं एक एपियर स्टूडेंट हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? देखिए दोस्तों, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो या फिर आप 10th पास हो, मतलब चाहे कांस्टेबल की पोस्ट हो या फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट 14th ऑफ मई 2024 से पहले आ जाना चाहिए तो आप एलिजिबल हो, वरना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो ये एक कट ऑफ डेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। पहली चीज, अगर आप एक ग्रेजुएट एस्पिरेंट है और आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म फीस भरनी पड़ेगी, दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग अलग चलेगा। हालांकि दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेकिन एग्जाम के लेवल में डिफरेंट है, क्योंकि दोस्तों एक पोस्ट हमारी ग्रुप बी की है और एक पोस्ट हमारी ग्रुप सी की है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप समझ लीजिए। पहले तो जाहिर सी बात, आपको फॉर्म तो अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहला काम इसमें होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, जानकारी डिटेल से दूंगा। सेकंड जो स्टेज है वो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसको शॉर्ट में पीईटी बोलते हैं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी होने वाला है, जानकारी डिटेल से दूंगा। तीसरी स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है, पहले ही तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपके एक मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका पैटर्न आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इस एग्जाम में आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। टेंशन क्यों ले रहे हो ना, सीधा सीधा समझ लीजिए, चाहे आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो या फिर कांस्टेबल की हो, ये 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पहला आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। अर्थमेटिक, जिसको आप मैथमेटिक्स बोल देते हो, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर आएंगे। रीजनिंग, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, इसी के बेसिस पर 120 क्वेश्चन 120 नंबर का पेपर रहेगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 1/3 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। दोनों ही पोस्ट का एग्जाम सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंट रहता है। जैसे कि अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस देख लीजिए, 35 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंशुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा अर्थमेटिक के अंदर। ऐसे रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपके सामने अच्छे से देख लीजिए, और ऐसे जनरल अवेयरनेस के जो 50 क्वेश्चंस आएंगे पूरा सिलेबस आपके सामने है। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो प्रोवाइड कर तो रखा है, ये देख लीजिएगा, इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा, एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर ही करके आओगे। सिलेबस हो गया, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए दोस्तों, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है कांस्टेबल का,
तो आप पहले कांस्टेबल का फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। पहले आपका पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है कांस्टेबल के मेल कैंडिडेट्स के लिए, देखिए जिसमें आपकी रनिंग होने वाली है मेल कैंडिडेट्स के लिए कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। 1600 मीटर की रनिंग आपको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। साथ ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग है जो कि 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है, कांस्टेबल की पोस्ट की बात हो रही है। इसमें आपका लॉन्ग जंप भी है, मेल कैंडिडेट को 14 फीट लॉन्ग जंप करके दिखाना होगा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9 फीट है। हाई जंप भी है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 फीट है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट रखा गया है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देख लीजिए कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। जनरल ईडब्ल्यू और ओबीसी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 165 है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर है। एसटी एससी वालों को हाइट में रिलैक्सेशन है, मेल कैंडिडेट्स वालों के लिए मिनिमम 160 है और फीमेल्स के लिए 152 है। बाकी अगर आप गरवालीज, गोरखा, मराठा, डोगराज, कोमोनीज और अदर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट में और रिलैक्सेशन है, 163 फॉर मेल, 155 फॉर फीमेल्स। यहां पर मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट मेजरमेंट भी होगी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर चेस्ट मेजरमेंट रखी गई है और 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में आपको एक्सपेंशन मतलब फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। एसटीएससी मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम चेस्ट 76.2 है और साथ ही एक्सपेंशन के बाद 81.2 हो जानी चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए चेस्ट मेजरमेंट आपके सामने नीचे लिखी हुई है, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, समझ गए। ये हो गया हमारा भाई कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर फिजिकल टेस्ट। और जो आपका लॉन्ग जंप हाई जंप होता है ना, यहां पर आपको तीन तीन चांस मिलते हैं। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग है वो 1600 मीटर की है, यहां पर आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। डिफरेंस देख रहे हो, कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर रेस आपको 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी थी, यहां पर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर 4 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 12 फीट का लॉन्ग जंप है, 3 फीट 9 इंच का हाई जंप है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप है। वहीं पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट अगर हम देखें सेम टू सेम है एज इट इज कांस्टेबल की पोस्ट वाला। मेल कैंडिडेट के लिए वही आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, फीमेल वालों के लिए 157 है, एसटीएससी वालों के लिए 160 है, मेल के लिए फीमेल के लिए 152 है। वहीं पर चेस्ट आपकी वही 80 है और एक्सपेंशन के बाद 85 हो जानी चाहिए। एसटीएससी वालों को रिलैक्सेशन है, चेस्ट में 76.2 होनी चाहिए, एक्सपेंशन के बाद 81.2 हो जानी चाहिए। ये एज इट इज है, बस रनिंग और लॉन्ग जंप हाई जंप में डिफरेंस है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। जो आपका पूरा फिजिकल टेस्ट है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाते, ठीक है। इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इसमें होने वाला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कांस्टेबल को हम रेफरेंस में ले तो यहां पर आपको 10वीं का या फिर मैट्रिकुलेशन, एक ही बात है, सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो कि एज अ एज प्रूफ के तौर पर लगाया जाता है, ठीक है। साथ ही दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी सर्टिफिकेट यही चलता है, जो आपकी मार्कशीट होगी या फिर पासिंग सर्टिफिकेट होता है। अगर आप एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, ठीक है। बाकी 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ टेस्टेड कलर फोटो, यानी कि कलर फोटो जो होंगे पासपोर्ट साइज, 2 कॉपी आपको लेनी ले जानी है, सेल्फ टेस्टेड वहीं पर कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। तो ये EWS मैंने बता दिया, ये एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट अगर है उसमें आपको अपना ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या फिर जो आपके मार्कशीट है ग्रेजुएशन की या फिर डिग्री है वो आपको ले जानी होती है, ठीक है। ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ये 10th पास वालों के लिए, वो ग्रेजुएट पास वालों के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट से पहले बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है। फाइनल सिलेक्शन चाहे आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो या फिर कांस्टेबल की पोस्ट हो, वो केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम आपका कितने नंबर का था, 120 नंबर का था, तो एक फाइनल मेरिट बन जाएगी 120 नंबर में से। ये मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज रहती है और इन फ्यूचर ये आपकी जोन वाइज भी रह सकती है, ठीक है। आपसे पहले प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि रेलवे के किस जोन में आप जाना चाहते हो, फिर जोन वाइज वैकेंसी को डिवाइड कर दिया जाएगा, जोन वाइज कट ऑफ को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो केवल और केवल 120 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी एसआई और कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था। मेडिकल टेस्ट
ये आपका पूरा मेडिकल टेस्ट है, इसमें सारी जानकारी दे रखी है। जो आपका इसमें मेडिकल टेस्ट होता है ना, वो B1 कैटेगरी का होने वाला है, ठीक है, जो कि एक रेलवे का स्पेशल होता है, जिसमें ग्लासेस की फ्लैट फूट साथ ही नोक नी स्क्विंट आईज कलर ब्लाइंडनेस और भी काफी सारी चीजें देखी जाती है। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद रेलवे के अंडर यानी कि RPF RPSF के अंडर आपकी ट्रेनिंग की होगी, जिसके बाद आपको RPF या फिर RPSF के लिए अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन तो आपका फाइनल यहां तक ही हो जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल ऑफिसर ट्रेनिंग तो आफ्टर ज्वाइनिंग ही होती है। बात कर लेते हैं भैया सिलेक्शन होने के बाद सैलरी हमें क्या मिलने वाली है, तो चलिए सैलरी को डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट तो सैलरी भी है, ये देखिए यहां पर समझेंगे सैलरी को। कांस्टेबल की पोस्ट अगर हमारी है तो इस पोस्ट के ऊपर जो बेसिक पे मिलता है वो 21,700 है। अब ये नहीं कि सिलेक्शन होने के बाद 21,700 रुपए आपको दे दिए जाएंगे हाथ में कि जाओ भाई मजे करो, ऐसा नहीं है। ये बेसिक पे है इस पोस्ट का। इस बेसिक पे के साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस जुड़ते हैं, जैसे कि आपका एडियरनेस अलाउंस हो चुका है, जो कि बेसिक अब आपका बेसिक पे का 50% हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 50% इसका और जुड़ जाएगा हर महीने। साथ ही HRA हाउस रेंटल अलाउंस होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस होता है, काफी सारे अलाउंसेस होते हैं। तो बात यह है कि सारे अलाउंसेस जुड़ जुड़ा के इस बार आपको सिलेक्शन होने के बाद अराउंड 40,000 इनिशियल इनहैंड सैलरी मिलने वाली है। शॉक लग रहा होगा कि भैया कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 40,000 सैलरी, इस बार इतनी सैलरी आपकी बैठेगी जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि यार डियरनेस अलाउंस ने सैलरी में काफी जबरदस्त उछाल किया है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट और यहां पर आपको लेवल 3 की सैलरी मिलती है, जो कि NTPC के अंडर भी लेवल 3 की पोस्ट होती है, और भाई इसकी तो बात पूछे ही मत। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी, जो कि काफी बढ़िया सैलरी होती है। ग्रुप B की ये पोस्ट है ना, 35,400 इस पोस्ट का बेसिक पे है, तो इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 55,000 के आसपास बैठेगी, यानी कि काट कूट के या फिर जोड़ जाड़ के अलाउंसेस इतने हर महीने आपके हाथ में सैलरी के तौर पर आएंगे अराउंड 55,000, और हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता रहेगा। आफ्टर सिविल पे कमीशन ये सैलरी आपको दी जाएगी। ये कांस्टेबल की है ये वाली, और सब इंस्पेक्टर की ये है। बाकी जो प्रोफाइल आपको बताने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि यार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में कोई नहीं जानता। प्रॉपर आपको वर्दी मिलती है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर, आपको प्रॉपर 2 स्टार्स यहां पर अपने कंधे पर देखने को मिलने वाली है, ठीक है, और वेपन्स वगैरह जो भी होते हैं वो तो आपको मिलते ही हैं। जॉब लोकेशन आपकी जोन वाइज होती है। अगर फाइनल सिलेक्शन से पहले जोन इन्होंने एलोकेट किए और आपके पास ऑप्शन रहा, तो आपको जिस जोन को आप चूज करोगे, प्रेफरेंस दोगे, उसी रेलवे जोन में आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं नहीं मानता आपका कोई डाउट बच गया हो, अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके बिंदास पूछ लेगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस की 1 से 1 बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड सुपर फास्ट मैराथन लाई जाए, जिनको देखने मात्र से आप एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर कर लो, तो उसकी प्लानिंग चल रही है। अगर आपने इस एग्जाम को टारगेट कर लिया, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऑल पे सेट करके, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा सोनू हेराथ के नाम से, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बाकी जो वीडियोज आपको ऑलरेडी RPF के रिगार्डिंग प्रोवाइड कर चुका हूं इनको देख लीजिएगा, डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं इस रिक्रूटमेंट के, ठीक है। बाकी डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको PDF मिल जाएंगे, खुद भी वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।